हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं साइतामा कॉइन के बारे में। एंड आज हमने देखा है कि लास्ट 24 आवर्स के अंदर साइतामा इनो कॉइन का प्राइस 13% काफी अच्छा एक इंक्रीज लिया है। एंड उसके अलावा काफी सारे अपडेट है इस वीडियो के अंदर, वो अपडेट भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं और क्या इनका एम है वो भी यहाँ पर हम जानेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या अपडेट्स है। तो ट्विटर अकाउंट पे आप लोग देख सकते हो जो कि साइतामा बर्न एक और इन्होंने अकाउंट क्रिएट किया है। जिस तरह से हमने शिबा बर्न का एक अकाउंट देखा है उसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को साइतामा बर्न का एक अकाउंट देखने को मिल रहा है, जहां पर इनके 15,400 फॉलोवर हो चुके हैं। एंड करंट टाइम पे अगर हम देखें तो 14 घंटे पहले का एक ट्वीट है जिसमें यहाँ पर इनकी काफी ज्यादा सप्लाई को बर्न किया गया है। तकरीबन यहाँ पर 101 बिलियन की यहाँ पर सप्लाई को बर्न किया गया है। टोटल सप्लाई अब तक 56% यहाँ पर साइतामा कॉइन की बर्न हो चुकी है। उसके अलावा भी यहाँ पर अगर हम देखें एक और यहाँ पर साइतामा का जो ऑफिशियली अकाउंट है उस पर भी यहाँ पर हमने देखा है कि कल जो EFC यहाँ पर इनकी जो फर्स्ट फाइट हुई है जिसमें इन्होंने स्पॉन्सर किया है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये प्री फाइट शो भी इनका स्टार्ट हो चुका है। तो जहां से आप लोगों को काफी अच्छा एक पंप देखने को मिला है, 13% का काफी अच्छा इंक्रीज लिया है। उसी के अलावा इनके इकोसिस्टम पे एक कॉइन आया है साइता रियलिटी, वहां से भी हमने काफी अच्छा पंप देखा है साइतामा कॉइन के अंदर। लेकिन अगर अभी भी हम करंट टाइम पे देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा डाउन है। एंड अगर हम यहाँ पर 7 डेज का चार्ट आप लोगों को दिखाता हूं मैं, तो अभी 7 डेज के चार्ट में अगर हम देखें तो काफी ज्यादा प्राइस नीचे है। एंड यहाँ पर जिन लोगों ने एंट्री ली होगी अभी काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आप लोगों से कहा था जब इसका प्राइस काफी ज्यादा डाउन था, एंड अभी भी यहाँ से आप लोग प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा उस वक्त यहाँ पर आप लोग एंट्री ले सकते हो। एंड तो ये कुछ अपडेट थी। उसी के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो इनका एम है वो क्या है, तो फॉस्टरिंग द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस, वेलकम टू साइतामा कम्युनिटी ड्राइवन प्लेटफॉर्म प्रमोटिंग फाइनेंशियल वेलबींग एम्पावरिंग पीपल ऑफ ऑल एज। एंड उसी के अलावा टू एजुकेट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इन्वेस्टर एंड मेक फाइनेंशियल वेलबींग एक्सेसिबल टू ऑल, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको यहाँ पर इन्वेस्टिंग सिखाना एंड फाइनेंशियली फ्री करना, ये सारी चीजें इनके अपने इकोसिस्टम के अंदर ये काम कर रहे हैं। प्लस जो इनका नेटवर्क है वो इथेरियम के ऊपर ये कॉइन बना हुआ है, ERC20 को ये यूज करता है। एंड उसी के अलावा काफी सारी और भी चीजें इनके अभी कॉइन के अंदर इकोसिस्टम पे काफी चीजें हो रही है। अगर आप यहाँ पर चार्ट में देखो तो काफी अच्छा एक पंप हमें देखने को मिला है 24 आवर्स के अंदर। बर्न परसेंटेज अगर हम देखें तो 56% की यहाँ पर पहुंच चुकी है, और जैसे जैसे ये बर्न होता रहेगा इसके प्राइस में भी काफी अच्छा आने वाले टाइम के अंदर पंप देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।